थैंक यू। प्रथम अखिल भारतीय राज्य मंत्रियों का इस प्रथम बेस्ट विजन वाटर विजन 2047 के इस सम्मेलन में जिनके अध्यक्षता में ये सब हो रहा है और ये आदरणीय जल संसाधन मंत्री महोदय गजेंद्र सिंह शेखावत जी, उनके साथ राज्य मंत्री आदरणीय प्रहलाद पटेल जी और दूसरे राज्यों में से पधारे हुए सभी मंत्रिमंडल के सदस्य इस सेशंस में साथ में वरिष्ठ अधिकारीगण और पूरे भारतवर्ष में से आए हुए जल शक्ति के बारे में चिंता करने के लिए उपस्थित सभी भाई और बहनों, भारत सरकार ने और खासकर के जल संसाधन मंत्रालय ने जल से अनुरूप वाटर विजन 2047 के बारे में चिंतन के लिए सारे राज्यों को आमंत्रित किया है। इस पहल के लिए गुजरात की तरफ से मैं जल संसाधन मंत्रालय का धन्यवाद करता हूं। विश्व की बढ़ती जनसंख्या, जलवायु परिवर्तन और मानव सर्जित विपदाओं के चलते आने वाले समय के क्या क्या आयोजन किया जाए जिससे हम राष्ट्र को विकसित करने में और हमारे सामने जो $5 ट्रिलियन इकोनॉमी का लक्ष्य है उसके लिए जो भूमिका जल आपूर्ति की हमें करनी है उसी को ध्यान में रखते हुए आज का चिंतन राष्ट्र के लिए अहम है। इसमें दो राय नहीं है। भारत के विभिन्न राज्यों में जल आपूर्ति को लेकर और भौगोलिक परिस्थितियों के अनुसार तरह तरह की समस्याएं हैं। इन समस्याओं के बीच में भी सब में जो अच्छे प्रयोग किए जा रहे हैं उनको एक फलक पर लाने के लिए जल संसाधन मंत्रालय का यह प्रयास प्रशंसनीय है। पश्चिमी तट पर गुजरात एक वाटर स्ट्रेच राज्य है और आज से 20 साल पहले अकाल हमारी एक साल की समस्या थी, लेकिन समूचे जल व्यवस्थापन के राज्य के जिस तरह से प्रगति की और प्रस्थान किया है उसको और आगे जाने के लिए और जल की आपूर्ति उनमें सुनिश्चित करने के लिए एक विजन 2047 हमने रखा है। नेक्स्ट सर, गुजरात में भारत की तुलना में सिर्फ 2% जल संसाधन है और गुजरात की आबादी 5% है। इसी वजह से गुजरात में तट पर कैपिटा वाटर अवेलेबिलिटी कम है और इन सालों में और कम होकर 1855 मीटर क्यूब और कैपिटा पर कैपिटा होगी सर, जिससे गुजरात अधिकतम वाटर स्ट्रेच रीजन में आता है। सर 2047 का हमारे गुजरात का पहला विजन है कि राज्य में हर एक नागरिक को जरूरी और अच्छी गुणवत्ता युक्त पानी की सुविधा हो सर, और दूसरा पर कैपिटा अवेलेबिलिटी को विविध क्षेत्रों में कदम उठाकर 1700 क्यूबिक मीटर बनाने का प्रयास करेंगे, जैसे कि नई वाटर कंजर्वेशन स्ट्रक्चर का निर्माण, अंडरग्राउंड वाटर रिचार्ज, माइक्रो इरिगेशन पद्धति का ज्यादा उपयोग, क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन का इत्यादि। नेक्स्ट सर, गुजरात का वाटर विजन 2047 मुख्य चार विषय स्तंभ पर आयोजित किया गया। सर पहला रिसोर्स इक्विटी सर, दूसरा सप्लाई साइड मैनेजमेंट, तीसरा सर डिमांड साइड मैनेजमेंट, चौथा सर वाटर सस्टेनेबिलिटी सर रिसोर्स एडिक्टिविटी सर, गुजरात राज्य में पर कैपिटा पानी की उपलब्धि विविध क्षेत्रों में कदम उठाकर 855 और 1700 घन मीटर तक बढ़ाएंगे सर, नदियों को बेसिन और कैचमेंट एरिया में पानी संग्रह करने की क्षमता 100% तक करेंगे, डिसेलिनेशन की क्षमता बढ़ाएंगे, नई रिसर्च टेक्नोलॉजी और रीन्यूएबल पावर के साथ 15 रुपये प्रति घन मीटर के कम खर्च की लागत को बढ़ाएंगे सर।
वेस्ट वाटर और एफ्लुएंट वाटर का पुनः उपयोग की क्षमता 100% तक बढ़ाएंगे, जिससे नदियों और जल स्रोतों का प्रदूषण न्यूनतम होगा और पर्यावरण सुधारने में काफी मदद मिलेगी। बारिश के रूप में व्यर्थ बहने वाला पानी का उपयोग और संग्रह करने की क्षमता का एक एलिमिनेशन करेंगे। सर, सभी वाटर बॉडीज का डिसिल्ट करके पानी संग्रह करने की क्षमता बढ़ाएंगे। सर, हमने पिछले 5 सालों में सुजलाम सुफलाम जल अभियान करके कई सारे स्रोतों को सुधारने का काम किया है। इससे हमारे जल स्रोतों का क्षमता बढ़ी और स्वच्छ हुई है। ताजे तमे भारत सरकार के नेतृत्व में अमृत सरोवर ने जो हमें गांवों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए नई दिशा दी है। हम अभी गांव पानी के सुविधा के विषय में स्वतंत्र होगा और गांव को गहरी पानी सुविधा की कम से कम आवश्यकता रहेगी। नेक्स्ट सर, सप्लाई साइड मैनेजमेंट। सर, सभी के लिए पानी की सुविधा होगी और जैसे कि औद्योगिक विकास, डोमेस्टिक डिमांड और खेती के उपयोग, गुजरात में नल से जल, हमने हर घर तक नल से जल पहुंचाने का बहुत ही महत्वपूर्ण काम किया है और अब अभी क्षेत्र में 24/7 पीने का पानी का पहुंचाने का हमारा प्रयास होगा। सर, हर एक बस्ती को 5 किलोमीटर के दायरे में एक स्वच्छ पानी का जल स्रोत का निर्माण करने के लिए जो कई पीढ़ी के लिए प्रेरणा मिलेगी और सबके लिए उपयोगी होगी। नेक्स्ट सर, डिमांड साइड मैनेजमेंट। सर, कर्कशन पूर्वक सिंचाई और अच्छी फसल के लिए आधुनिकरण पद्धति का उपयोग करेंगे। सर, 6.25 मिलियन क्यूबिक फीट प्रति 100 मेट्रिक टन फसल के सामने 3.25 मिलियन क्यूबिक फीट प्रति 100 मेट्रिक टन तक पानी का उपयोग घटाने का हम प्रयास करेंगे। सर, अब तक गुजरात में हमारे किसान भाइयों को सहयोग से 21.40 लाख हेक्टर विस्तार में माइक्रो इरिगेशन का काम किया है, जो लगभग 21% खेती के क्षेत्रों को कवर करता है। सर, जिसमें वृद्धि करके 100% क्षेत्र में माइक्रो इरिगेशन का व्याप बढ़ाएंगे, जिससे पानी के अभ्यय घटाकर नई सिंचाई सुविधा हम उपलब्ध करेंगे। सर, क्रॉपिंग पैटर्न के लिए बदलाव और क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन करेंगे, जिसमें कम पानी की लगत वाली फसल को हम बढ़ाएंगे। पानी की सप्लाई के नेटवर्क में स्मार्ट ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम लगाएंगे, जिससे पानी का कम से कम व्यय हो। सर, पीने का पानी और औद्योगिक पानी की सप्लाई को 100% मीटर तक सिस्टम लगाएंगे, जिससे भी पानी की बचत होगी। यह स्मार्ट व्यवस्था छोटी त्रुटियों को खुद में ठीक कर सके, ऐसी तकनीक को हम बढ़ाएंगे। सर, कृषि क्षेत्र में पानी की मीटरिंग और वाटर एडिटिंग करने पर इंसेंटिव देने के सिस्टम को हम बढ़ाएंगे। सर, पानी का कर कसर उपयोग करके करने के लिए तकनीकी इंसेंटिव और रिसर्च डेवलपमेंट बनाएंगे और उसका उपयोग भी हम करेंगे। नेक्स्ट सर, वाटर सस्टेनेबिलिटी। सर, राज्य में अभी लोग पानी के बारे में ओवर एक्सप्लोरेटरी क्रिटिकल और सेमी क्रिटिकल क्षेत्रों में, जिसमें भूगर्भ जल ज्यादा से ज्यादा रिचार्ज करेंगे, पूरे क्षेत्रों को सेव करने के लिए प्रयास करेंगे, जिससे हर क्षेत्र में पानी की पर्याप्त मात्रा उपलब्ध रहे। गांव, तालुका, जिला और राज्य की केवल संकलित वाटर सिक्योरिटी प्लान होगा और संसाधन की उपलब्धि के सुनिश्चितता के सस्टेनेबल वाटर का जवाबदारी के सम्मिलित रहेगा। सर, राज्य में जितने भी पुराने पानी के स्रोत है, जैसे कि गांव, कुआ, तालाब, उन सभी का पुनरोद्धार करके स्वच्छ पानी की उपलब्धि कराएंगे, जिससे हमारी पुरानी विरासत की देखभाल भी होगी और नई पीढ़ी को हमारा विरासत को भी इनकी जानकारी रहेगी। कृषि क्षेत्र में 10 किलोलीटर प्रतिदिन जो ज्यादा पानी उपयोग करने वाले उपभोक्ताओं है, उनको हम पानी ऑडिट करने देंगे। और सर, सभी नदी, नाले और तालाब को पुनरुद्धार करने के प्रदूषण मुक्त करने का हमारा प्रयास रहेगा। पानी की महत्ता के बारे में और कर कसर करने वाले उपकरणों के लगाने, लोगों की व्यवहारिक बदलाव करने में पानी का कम से कम व्यय करेंगे।
इसी तरह विभिन्न तरीकों से अद्यतन टेक्नोलॉजी का उपयोग से और पानी की महत्ता से प्रति लोगों को जागृति लाने का गुजरात का और गुजरात के लोगों का प्रयास रहेगा। मुझे पूर्ण विश्वास है कि हम 2047 का निर्धारित लक्ष्य को जरूर पूर्ण करेंगे और देश के विकास में अपने राज्य की संपूर्ण योगदान देंगे। आज इस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से मैं यह भी कहना चाहता हूँ कि भारत सरकार की इस प्रयास ने पानी के एजेंडा को तो केंद्र स्थान पर रखा है। अभी तक नदियों को पानी के बंटवारे को हमने राज्यों के बीच में कंपटीशन की भावना से किया है, बजाय एक कोलैबोरेशन की भावना से होना चाहिए। इस कारण इस बार हम उपलब्ध पानी का प्रतिशत क्षमता से हिसाब से उनको उपयोग करेंगे। उदाहरण के तौर पर हमारे नदियों के पानी के बंटवारे के सामने समझौते 100 साल के एवरेज पानी के बहाव के आधारित है, लेकिन 4-5 सालों में से जब बाढ़ काफी ज्यादा होती है तब ऊपर से राज्य का पानी नहीं लेते एवं नीचे के राज्य को भी समझौते की शर्तों के हिसाब से पानी नहीं ले सकते। ज्यादा पानी समुद्र में बह जाता है। अगर एवरेज आधारित समझौते के साथ बाढ़ के अतिरिक्त पानी के बारे में अलग समझौता हो तो बाढ़ का पानी भी समुद्र के चला जाता है, उसका ज्यादा सक्षमता के उपयोग संभव होता है। मैं भारत सरकार को इस बारे में दिशा निर्देश के लिए प्रार्थना करता हूँ। अंत में पुनः भारत सरकार को इस कॉन्फ्रेंस में आयोजन के लिए बधाई एवं उम्मीद रखता हूँ कि अमृत काल के लिए राष्ट्र एवं राज्यों को पानी के क्षेत्र का एजेंडा या कॉन्फ्रेंस के माध्यम से एक बहुत सफल रहेगा। थैंक यू, धन्यवाद।